महानगर पालिका के जेर एहतमाम जारी। वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ये है हमारी उर्दू कुमार भारती दर्जी किताब। इसी किताब से आज हम अहम मालूमात हासिल करने वाले हैं। आइए सबसे पहले आज हम मुरक्कब जुमले के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मुरक्कब जुमला, इन जुमलों पर गौर कीजिए। तहरीके आजादी का दरख्त बरगो बार लाया तो उसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ। सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं कि इलाहाबाद में कांग्रेस का एक जलसा था, उन्होंने किसी दर्जी से शेरवानी की तराश सीख ली और दर्जी का किस्सा ही पाक हो गया। एक बार फिर इन जुमलों पर गौर फरमाइए। तहरीके आजादी का दरख्त बरगो बार लाया तो उसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ। सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं कि इलाहाबाद में कांग्रेस का एक जलसा था, उन्होंने किसी दर्जी से शेरवानी की तराश सीख ली और दर्जी का किस्सा ही पाक हो गया। अभी जो हमने मिसालें पढ़ी, उन मिसालों के जुमले दो दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। इनमें अल्फाज तू की और तिरछे खतूत के दरमियान लिखे गए हैं, अपने से पहले और बाद आने वाले हिस्सों को जोड़ते हैं। इनमें अल्फाज तू के और तिरछे खतूत के दरमियान लिखे गए हैं, अपने से पहले और बाद आने वाले हिस्सों को जोड़ते हैं। ऐसे जुमलों का हर हिस्सा आजाद फकरा कहलाता है। ऐसे जुमलों का हर हिस्सा आजाद फकरा कहलाता है, अगरचे ये अपनी जगह पूरा जुमला भी है। जब ये आजाद फकरे हरूफ अतफ तू मगर के और वगैरह से जोड़े जाते हैं तो इनसे मुरक्कब जुमला बनता है। आजाद फकरों को जोड़कर मुरक्कब जुमला बनाने के लिए फिर वरना लेकिन वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। एक नज्म आपकी किताब के एक सबक में शामिल है। अमली कवायद के तहत हम फकरा से मुताल्लिक मालूमात हासिल कर रहे हैं। पहले हम इस नज्म को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अमली कवायद के उसूलों को समझने की कोशिश करेंगे। समाअत फरमाए। 10 रुपए फी बोतल पानी, हक्का बक्का रह गई नानी। 10 रुपए फी बोतल पानी,
हक्का बक्का रह गई नानी, अपना बचपन याद किया तो अरजानी सी थी अरजानी, अपना बचपन याद किया तो अरजानी सी थी अरजानी, 12 आने से रसली घी, 11 आने तोला चांदी, 12 आने से रसली घी, 11 आने तोला चांदी, केले थे 2 पैसे दर्जन, चावल 5 आने पंसेरी, केले थे 2 पैसे दर्जन, चावल 5 आने पंसेरी, 22 कोप टिकट 1 आना, 1 अठन्नी का पाजामा, 22 कोप टिकट 1 आना, 1 अठन्नी का पाजामा, स्कूलों में फीस नहीं थी, कॉलेज 2 रुपए माहाना, स्कूलों में फीस नहीं थी, कॉलेज 2 रुपए माहाना, नाना की तनख्वाह जो पूछी, कुल 45 रुपया निकली, नाना की तनख्वाह जो पूछी, कुल 45 रुपया निकली, 45,000 के लगभग पाते हैं अब्बू और अम्मी, 45,000 के लगभग पाते हैं अब्बू और अम्मी। हम पढ़ रहे हैं अमली फवायद फिक्रा। इस नज्म में, अभी जो हमने नज्म पढ़ी, इस नज्म में आने वाले चंद अल्फाज ये हैं। कौन से अल्फाज हैं? 10, पानी, बचपन, तू, अरजानी, आने। 10, पानी, बचपन, तू, अरजानी, आने। असली, सी, तोला, केले, चावल। असली, सी, तोला, केले, चावल। अब इस नज्म में आने वाले चंद अल्फाज ये भी हैं। टिकट, पाजामा, का, फीस, नाना, जो, कल। टिकट, पाजामा, का, फीस, नाना, जो, कल। निकली, 1,000 हैं, के और अम्मी। निकली, 1,000 हैं, के और अम्मी। हम पढ़ रहे हैं अमली कवायद फकरा। अब जो अल्फाज हमने पढ़े हैं, अगर इन लफ्जों को हम देखें, पढ़ें, तो चंद लफ्जों के माना हम अच्छी तरह जानते हैं। 10, पानी, बचपन, नाना, अम्मी वगैरह। 10, बचपन, नाना, अम्मी वगैरह। हम पढ़ रहे हैं अमली फवायद फकरा। चंद अल्फाज जो नज्म हमने अभी पढ़ी, उस नज्म के दीगर चंद अल्फाज जैसे तो, सी,
का, जो, के वगैरह, ये अल्फाज बेमाना मालूम होते हैं। तो सी का, जो, के वगैरह, ये अल्फाज बेमाना मालूम होते हैं। अमली खवायद फकरा, पहले कौसैन में दिए गए अल्फाज, ये अल्फाज, दस, पानी, बचपन, नाना, अम्मी वगैरह, और दूसरे कौसैन में दिए गए हुरूफ हैं, पहले कौसैन में दिए गए अल्फाज हैं, दस, पानी, बचपन, नाना, अम्मी वगैरह, और दूसरे कौसैन में दिए गए हुरूफ हैं, तो सी का, जो, के वगैरह। अमली कवायद फकरा, ज़बान अल्फाज का मजमुआ होती है, ज़बान अल्फाज का मजमुआ होती है, अगर दी गई मिसाल की तरह अल्फाज बेतरतीब रहें तो लफ्जों के माना तो हम जान लेंगे, लेकिन इस मजमुए से कोई माना हमारी समझ में नहीं आएंगे। ज़बान अल्फाज का मजमुआ होती है। अब जो मिसालें आपने देखी और बिलखुसूस उसमें दी गई मिसाल की तरह अल्फाज बेतरतीब रहें तो लफ्जों के माना तो हम जान लेंगे, लेकिन उस मजमुए से कोई माना हमारी समझ में नहीं आएंगे। अमली कवायद फकरा, अलबत्ता इनमें से चंद अल्फाज अगर एक खास तरतीब में आए तो उनके कुछ माना समझ में आ सकते हैं, अलबत्ता इनमें से चंद अल्फाज अगर एक खास तरतीब में आए तो उनके माना समझ में आ सकते हैं। जैसे सबसे पहले दस रुपए के चावल, देखिए अल्फाज तरतीब में हैं, दस रुपए के चावल, दस रुपए के चावल में सभी अल्फाज
तरतीब में हैं, इसलिए इनके माना समझ में आते हैं। उसके बाद है असली टिकट। अब इसमें भी अल्फाज तरतीब में हैं, असली टिकट, तो जिससे माना समझ में आते हैं। अम्मी के नाना, इसमें भी अल्फाज आप देख रहे हो तरतीब में हैं तो माना समझ में आते हैं, यानी 10 रुपए के चावल, असली टिकट, अम्मी के नाना वगैरह। तो एक खास तरतीब में आने की वजह से हमको ये माना समझ में आ रहे हैं। अमली कवायद में हम आज फिक्रा से मुतालिक मालूमात हासिल कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि चंद अल्फाज अगर एक खास तरतीब में आए तो उनके कुछ माना समझ में आ सकते हैं। जैसे हमने देखा 10 रुपए के चावल, 10 रुपए के चावल। उसके बाद असली टिकट, असली टिकट। और उसके बाद अम्मी के नाना, अम्मी के नाना। तो कुछ माना समझ में आ सकते हैं, लेकिन लफ्जों के इन मजमुओं में पूरे माना वाज़े नहीं होते। कुछ माना समझ में आ सकते हैं लेकिन पूरे माना वाज़े नहीं होते। जैसे 10 रुपए के चावल, असली टिकट, अम्मी के नाना, कुछ माना समझ में आ रहे हैं लेकिन पूरे माना वाज़े नहीं होते। अमली कवायद, फिक्रा। अभी हमने लफ्जों के 3 मजमुओं पर गौर किया, 10 रुपए के चावल, असली टिकट, अम्मी के नाना। 10 रुपए के चावल, असली टिकट, अम्मी के नाना। लफ्जों के इन मजमुओं में पूरे माना वाज़े नहीं होते। लफ्जों के इन मजमुओं में पूरे माना वाज़े नहीं होते। लफ्जों के ऐसे मजमुए जिनमें अल्फाज एक खास तरतीब में आए लेकिन उनसे पूरी बात समझ में ना आए तो उन्हें फिक्रा कहते हैं। लफ्जों के ऐसे मजमुए जिनमें अल्फाज एक खास तरतीब में आए लेकिन उनसे पूरी बात समझ में ना आए तो उन्हें फिक्रा कहते हैं। यानी 10 रुपए के चावल, असली टिकट, अम्मी के नाना, लफ्जों के ऐसे मजमुए हैं जिनसे पूरे माना वाज़े नहीं होते, हालांकि ये एक खास तरतीब में हैं। तो ऐसे
मजमुए जिनमें अल्फाज एक खास तरतीब में आए लेकिन उनसे पूरी बात समझ में ना आए तो उन्हें फकरा कहते हैं।